वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी वो सूंधी मट्टी सिंधड़ी की वो लड़की लाल कलंदर थी मुहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उन्नीस सौ तिरपन में लाड़काना के सियासी खानदान में आँख खोली आपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की रावल पिंडी और मरी में भी जेर तालीम रही पंद्रह साल की उम्र में ओ लेवल का इम्तिहान पास किया उन्नीस सौ तिहत्तर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की फिर आला तालीम के लिए लंदन चली गई बेनज़ीर भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फलसफा माशियात और सियासियात में एम ए की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में में बेनजीर का शुमार के तरीन तलबा होता था। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्नीस सो सतर में पाकिस्तान वापस आ गई उनकी वापसी के चंद दिन बाद उनके वालि जुल्फ़कार अली भुट्टो का तख्ता जनरल जिया ने उलट दिया और इसी दौरान बेनजीर घर में नजर बंद रही 1979 में जुल्फकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी बे नज़ीर जनरल जैके मार्शल्ला के ख़िलाफ़ मुसलसल जदोजहद में मसरूफ रही नाइनटीन एटी फोर में जेल से रिहाई के बाद बरतानिया में दो साल खुद खुदसाख्त जलावतनी इख्तियार कर ली और 1986 में वतन वापसी के बाद पार्टी को एक बार फिर संभाला 1987 में नवाब शाह की मशहूर सियासी शख्सियत हाकिम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी से रिश्ता एजवाज में मुंसलिक हो गई उनके यहाँ नाइन एटी एट नाइन में बिल तरतीबरदारी और की हुई। 1988 में हक के में शहीद हो गए उनकी शहादत के बाद 16 नवंबर 1988 के आम इंत में पीपी -पी ने मोहतरमा बेनजीर की क्यादत में बेनजीर कामयाबी हासिल की और बेनजीर भुट्टो ने इस्लामी दुनिया की पहली खतून वजीर आजम के तौर पर हलफ उठाया उनकी हुकूमत को दो साल बाद ही सदर गुलाम शाह खान ने बदनवानी का इल्जाम लगाकर तरफ कर दिया और मुल्क में दो बारा का, का हलफ उठायावे में सदर गुलामी शाह ने मिया नवाज शरीफ को भी बदवानी के इल्जाम के तहत बरतरफ कर दिया नए इंत के नतीजे में बेर भुट्टो एक मरतबा फिर पाकिस्तान की वजी आज मुंत हो गई लेकिन उनकी ये हुकूमत ज्यादा देर तक ना चल सकी एक दफा फिर सदर फारूक लगारी ने उन्नीस सौ छियानवे में बेअमनी बदनवानी और मावरा अदालत कतल के इकदाम के बात बेनजीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और इंतजाम के बाद मियाँ नवाज शरीफ मुल्क के सरबरा मुंतब हो गए मोहतरमा अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए तैयार हो गई थी लेकिन फौजी दबाव के तहत ना कर सकी इस बात ने मोहतरमा की शहरत को बहुत नुकसान पहुँचाया जनरल मुशरफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ करते हुए में जब मार्शल लगा दिया तो मोहतरमा ने एक बार फिर जरावत ने इख्तियार कर ली लाल मस्जिद ऑपरेशन की खुलकर हमायत करने पर उनकी शोहरत को बहुत नुकसान पहुंचा। 2007 में तकरीबन साढ़े आठ साल बाद बेनजीर भुट्टो वतन वापस आ गई कराची एयरपोर्ट पर उनका शानदार गया। इस जालूस के दौरान उन पर जानलेवा हमला भी हुआ खुशकिस्मती से मोहतरमा महफूज रही लेकिन सताइस दिसंबर दो को लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे में दहशत ने एक बार फिर हमला किया इस बार किस्मत ने मोहतरमा का साथ ना दिया दो हजार आठ में पाकिस्तान में हुकूमत बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले सईद यूसफ रजा गिलानी को अपना वजीर आजम बनाया और आसिफ अली सरदारी को सदर मुंत करवाया